बैंक के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। गिरिराज सिंह का बयान, बंगाल चुनाव में भाजपा 200 से अधिक सीटें जीतेंगी, बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है अत्याचार। पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार को न्याय का दिलाया भरोसा, आर्थिक मदद के तौर पर दिए 25,000 रूपए। मधेपुरा में काला कृषि कानून को लेकर किसानों का आक्रोश, हल बैल और ट्रैक्टर के साथ मुख्यालय में किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। गया में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, वहां हमारी पार्टी ने 200 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल सरकार ने अपने कार्यकाल में मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है। बंगाल के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति करती है। पिछले चुनाव में उनके एमएलए ने पत्रकारों को, बाहरी लोगों को एक मोहल्ले में ले जाके कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है, आपको ले चलता हूं। ममता बनर्जी ने खुद कहा यहां से कोई घुसपैठिए बाहर नहीं जाएगा। गया में जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव बेलागंज के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया ने पहुंचकर पीड़ित परिजनों को 25,000 रूपए की आर्थिक मदद दी। पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष जमीन की दलाली करेंगे, दरोगा मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष जमीन की दलाली करेंगे। सुशासन बाबू या विपक्ष, 1.5 किलोमीटर पर राजेश गुप्ता और अमित गुप्ता का किडनैपिंग हो गया। 1.5 किलोमीटर पर विपक्ष भी है, सत्ता पक्ष भी है, दोनों आदमी को फुर्सत नहीं मिली उस 3 मासूम बेटियों के पिता के बारे में। दुनिया को पता है कि एक दबंग मुखिया के भाई ने किडनैप करवाया, लेकिन उसको टॉर्चर नहीं किया गया। मधेपुरा में किसानों ने सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और बैलगाड़ी लेकर काला कृषि कानून के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने कहा कि काला कृषि कानून बिल मोदी जी लाकर अंबानी और अडानी के हाथों में किसानों की जमीन को गिरवी रखना चाहते हैं। इस मौके पर हजारों की संख्या में किसान एवं महागठबंधन के कार्यकर्ता उपस्थित थे। फारविसगंज के रमई पंचायत के मधुरा गांव में बिजली का करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण खेत में गड़े बिजली के खंभे में करंट आने से वहीं खेत में पटवन करने के दौरान यह हादसा हुआ। खेतों में खेल रहे एक बच्चे को पहले करंट लगा, जिसे बचाने के लिए गई उसकी माँ भी खेत में करंट की चपेट में आ गई। तभी उनकी चीख सुनकर बच्चे के दादा भी उन्हें बचाने पहुंचे और करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। रमे पंचायत के वार्ड नंबर 6 में घटना है। ये सारा बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ये पुरुष में जो है ना, उसका नाम है नारुद्दीन और उसका पोता जो डेट किया है शाहीन और उसकी पुतहू जो है वो सदी मदिशन। सासाराम के राष्ट्रीय मार्ग 2 पर एक सरसों का तेल लदा ट्रक में भीषण आग लग गई। घटना दरी गांव थाना क्षेत्र के महारानिया के पास की है। आग बहुत तेजी से फैला और देखते ही देखते ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और ट्रक धूं धूं कर जल रहा है। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर तथा खुलासी के सुरक्षित होने की सूचना है। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कमलेश जी कहाँ हो?
बेगूसराय के मुख्य बाजार के कर्पूरी चौक के समीप बाइक सवार तीन लुटेरों ने पौदार ज्वेलर्स में लूट की घटना को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। लुटेरों ने दुकान में घुसते ही सीसीटीवी कैमरे को निशाना लगाकर गोलीबारी की और व्यवसायी सुनील पौदार से लॉकर की चाबी की मांग की। विरोध करने पर पिस्तौल के बट से प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया और काउंटर में रखे जेवरात और नकद समेत लिया गोलीबारी कर रतनपुर की ओर भाग निकले। लूट और गोलीबारी की जानकारी मिलते ही एसपी अवकाश कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया है। तीन को बंदूकधारी आया और शीशा उसा फोड़ दिया, कैमरा फोड़ दिया, गला में कुछ कैश था। उसका आइडिया तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ही था। सामान लेने आया था, बोल रहा था तिजोरी का चाबी दो, खोलेंगे इससे सब ले जाएंगे, नहीं तो गोली मार। कोई सुरक्षा नाम का चीज नहीं है, चौक चौराहे पर कोई पुलिस नहीं है। हम एसपी साहब के यहाँ एक हफ्ता गए लगातार, वो बोले उनको बोले कि पटेल चौक पर फोर्स दिया जाए, हर चौक पर फोर्स दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं इनके पास। किसी का कोई जाएगा ना, डीएम का जाएगा ना, एसपी का जाएगा ना, थानेदार का जाएगा, जाएगा सिर्फ दुकानदार का। प्रशासन का अकर्मण्यता ही दिखाता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। शहर में कर्पूरी स्थान के पास एक सुनील पौदार है, इनका ज्वेलरी का दुकान है। उनका कहना है कि तीन आदमी आए थे, अभी 9:15 वो दुकान खोले हुए थे, तीन आदमी आए और उसके बाद फायरिंग किए हैं और घटना घटित होने के बाद बताएं। गया जिले के बेला थाना अंतर्गत धनकी गांव में एक युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर आक्रोशित युवा वर्ग की टोली ने सरकार से न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च कुर्था गया मुख्य मार्ग से कुर्था बाजार होते हुए कुर्था प्रखंड मुख्यालय के अमर शहीद जगदेव स्मारक के पास पहुंचा, जहां युवाओं ने सिंपी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सिंपी के हत्यारों को सीबीआई जांच कर हत्यारों को फांसी दिया जाए। कैंडल मार्च निकालकर अपने बहन सिंपी के जो है श्रद्धांजलि देते हुए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि जो इसमें माने जो है मिली भगत है, जो इसमें है, उसको जो है जितना जल्द गिरफ्तार कर उसे फांसी की सजा। गया में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण रालोसपा के प्रदेश महासचिव विनय कुशवाहा ने कंगना रनौत पर गया सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। कंगना रनौत पर मैंने आज गया सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया है, क्योंकि कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट से 3 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा जी का चुनावी फोटो जो है, चुनावी फोटो के सामने उन्होंने भद्दा भद्दा कमेंट किया है, उनको आज़ाद कश्मीर और अन्य नेताओं को जिहादी लुटियंस ये सपोर्ट किया कि हमारे माननीय मुख्य भूतपूर्व मंत्री विपिन कुशवाहा जी के पोस्ट पर मशहूर एक्ट्रेस रंगना कनावत के द्वारा अभद्र टिप्पणियाँ की गई है। गया मगध यूनिवर्सिटी अनुभूति एएम कॉलेज गया में शिक्षक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। वैसे शिक्षक जो अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज से स्थानांतरण होकर दूसरे कॉलेज एवं मगध यूनिवर्सिटी मुख्यालय में योगदान देकर सेवा दे रहे हैं एवं दूसरे कॉलेज से नए शिक्षण स्थानांतरण होकर अनुग्रह कॉलेज में कार्यरत है, वैसे शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उम्र के 57 इयर्स ओल्ड होने के बाद ये हैबिट चेंज नहीं हो सकती। पुराने टीचर्स होते तो 58 में हम रिटायर हो जाते या 60 में रिटायर हो जाते। ये तो सरकार का कर्म है कि 8 साल और नौकरी है, 2028 से मेरा रिटायरमेंट है। एक बड़ी खबर नालंदा जिले की हिलसा से, जहां अपराधियों ने एक जज पर जानलेवा हमला किया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि हिलसा कोर्ट में पदस्थापित एडीजे जयकिशोर दुबे जब कोर्ट से अपने आवास लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए आधा दर्जन अपराधियों ने उनके वाहन पर ताबड़तोड़ पथराव कर दिया, जहां उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इतना ही नहीं, अपराधियों ने भागने के दौरान 3 राउंड हवाई फायरिंग भी की। समस्तीपुर के बाद अब मुजफ्फरपुर जिले में भी कई किसानों ने गोभी की अपनी तैयार फसल को ट्रैक्टर चलाकर खेतों में ही जमींदोज कर दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बौछहा में भी 2 किसानों ने गोभी का उचित मूल्य नहीं मिलने से निराश होकर खेत में लगी करीब 10 बीघा फसल में ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। डेढ़ बीघा में कैली रहा,
दू लाख रुपया खर्चा भेलै ओहिमे पचासो हजार रुपया नहि भेलै हमर तऽ की करियै हम बेच जोतबा देलियै नहि भेलै तऽ हम की करबै रख कऽ ओकरा जोता कऽ बस दोसर की होतै खेती आ की करब आ पचास हजारमे पचासो हजार आमदनी नहि भेलै पचास हजार महाजन लऽ कऽ कलियै से दू लाख रुपयाके महाजन कतेक भेलै मरतै कि जीतै लोक किसान लोक मैं मनोज चौधरी बोल रहा हूँ मुजफ्फरपुर कुचहा प्रखंड सरमपुर निवासी हूँ। 8 एकड़ गोभी किए हुए थे, रेत नहीं मिलने के कारण गोभी को जुर्माना पड़ रहा है। और आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।